नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ मेघा कौशल। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या कुछ खास होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कैरेक्टर। गुड लक टिप्स। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हाल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, श्री राधे का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे किस्मत को बदलने वाले कुछ सरल सी रेमेडीज, उपाय। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज की अड़चने किस्मत के चमकने से खुद ब खुद खत्म हो सकती है। उच्च अधिकारी जो हैं आज आपका सहयोग करेंगे। जितने भी सोचे हुए काम हैं उस पर आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। संयम बनाए रखिएगा, वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर से निकलते समय तुलसी दल का सेवन करके निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। श्री राधे। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की उथल पुथल से, फ्लक्चुएशन से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हैरानी हो सकती है। कुछ अच्छे अवसर हाथ में आते आते जा सकते हैं। दैनिक जो भी आज आपका कामकाज है उसमें बहुत ज्यादा उतावलापन मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को बैसाखियों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। श्री राधे। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि किसी काम में कंफ्यूजन है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, तो अपने से बड़े किसी अनुभवी, उससे सलाह लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, फायदे में रहेंगे। कामकाज में रुचि को बढ़ाना होगा, व्यापार में ध्यान देना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता के पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियां भी लेंगे लेकिन उससे पहले कमल सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से, जो अपनी बेटी पूनम के लिए जानना चाह रहे हैं। पूनम का डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1987 और समय है दोपहर का 3:30 का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कमल जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप। लगता है इनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। पंडित जी बेटी की शादी के लिए पूछना चाह रहे थे कमल जी। देखिए कमल जी, आपकी जो गुड़िया है इसकी जन्म कुंडली पहली बात तो बहुत अच्छी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गज केसरी योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। चंद्र और गुरु जब साथ होता है तो गज केसरी योग कहलाता है। अश्विनी नक्षत्र का इस बच्ची का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन इस गणमूल नक्षत्र की शांति, शनि का दान, डाकोत का दान जो होता है
वो अति आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आपने वो गणमूल नक्षत्र की पूजा इसकी ठीक 27वें दिन जो पैदा होने के बाद में होनी चाहिए थी वो करवा ली होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में इस जिस नक्षत्र के अंदर ही बच्ची पैदा हुई अश्वनी नक्षत्र की उसकी शांति अवश्य करवा दीजिए। कहीं ना कहीं वो ही एक रुकावट है, अदरवाइज इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। हमारे हिसाब से बच्ची अगर सरकारी नौकरी में जाए तो ये उच्च पद को हासिल कर सकती है, बड़ी अफसर बन सकती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। गज केसरी योग है, नेम एंड फेम बन सकती है। अब जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं उसको समझने का प्रयास कर लीजिए कि एक तो ये गणमूल नक्षत्र का जन्म, दूसरा जो इसकी जन्म कुंडली के अंदर प्रॉब्लम है वो इसके भाग्य स्थान में सूर्य और केतु का ग्रहण योग, कहीं ना कहीं लक फैक्टर में थोड़ी सी कमी आती है। जहाँ तक विवाह का सवाल है, इसके विवाह में आने वाला जो समय है यानी दीपावली से इसका जो समय शुरू हो रहा है, अगले साल मई तक का जो इसका पीरियड है सबसे बेस्ट पीरियड है विवाह के लिहाज से। बड़े अच्छे घर के अंदर इसका विवाह हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और कुंडली बहुत अच्छी है। हम इस कुंडली के हिसाब से बस सरल उपाय और जो करने हैं वो भी बता देता हूँ। इस बच्ची को भूलिएगा, नहाते समय पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के स्नान करें, नियमित रूप से तुलसी जी की और केले के पौधा साथ साथ रख के परिक्रमा करें। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिवे नमः, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये अगर परिक्रमा करें, कम से कम 11 परिक्रमा करें, बहुत जल्दी इसको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ चूरू से दीपिका जी जुड़ गई हैं। दीपिका अपने बेटे अरुण के लिए पूछना चाहती हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9/11/2007 और समय है 1:12 रात का। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहती हैं अरुण के लिए, पूछिए। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। जी, बेटे का नाम अरुण, सॉरी तरुण है। जी बेटा। जी बस पंडित जी, बहुत जिद्दी है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो अपना वो ठान लेना वही करता है फिर। क्या करूँ, उसका उपाय बताइए। जी बेटा, देखिए दीपिका, बच्चे की जो जन्म कुंडली है उसमें पहली बात तो यह है कि ये मांगलिक कुंडली नहीं है, तो जिद वगैरह जो है वो अपने लाड प्यार के कारण होता है। मंगल का करेक्टर इस बच्चे की कुंडली में नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इस बच्चे के, राहु की माँ दशा चल रही है 2007 से, जब से पैदा हुआ है तब से ही राहु की माँ दशा के अंदर हुआ है। ये राहु की माँ दशा खत्म होगी 2021 में, यानी 4 साल के पश्चात। राहु मतलब सांप, सांप कैसे चलता, टेढ़ा चलता, उसी तरीके से इसका जो दिमाग है, इसका जो आचार है, इसका जो विचार है, इसका जो मन है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा। निश्चित तौर पे एजुकेशन इस बच्चे की जन्म कुंडली में बहुत अच्छी लिखी हुई है। मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर ये काफ़ी राइज करेगा। टेक्निकल लाइन में इस बच्चे को नहीं डालना है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की आशा मत करिएगा। आप इसको एक अच्छा लॉयर बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट का स्टूडेंट बना सकते हैं, PhD करवा सकते हैं, आप MBA करवा सकते हैं इस बच्चे को, लेकिन टेक्निकल लाइन से इसको दूर रखिएगा। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इसकी ग्रह शांति करवा लीजिएगा, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का और सूर्य भी नीच का है। उपाय के तौर पे जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बच्चे की आदत में डालिए कि इसको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना है। उसके साथ साथ में आप इसके नाम से कर सकते हैं, हर शुक्रवार को एक छोटी कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है आपको, 27 शुक्रवार तक आपको ऐसा करना है। हरे कपड़े खूब पहनाने, हरी सब्जियां खूब खिलानी है, हरे चद्दर पे सुलाना है। गायत्री मंत्र का जाप इसको सिखा दीजिए, रोज़ सुबह 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, रात को सोने से पहले 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, और संभव हो तो प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। निश्चित तौर पर बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा और गुस्से में भी फर्क देखने को मिलेगा। दीपिका जी, उम्मीद है पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आप करेंगी और आपको फायदा होगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। पंडित जी, अगली कॉलर हमारे साथ सोहन लाल जी चित्तौड़गढ़ से जुड़ गए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1966 और समय है रात का 9:45 का। सोहन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, मेरे आपसे पहले भी बात हुई थी और आपने मेरे को केतु रत्न पहनने के लिए बोला था, तो मैंने वो पहन धारण भी कर लिया, और उसके बावजूद भी अभी थोड़ा मैं सेट नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या मतलब मेरे आगे भविष्य में क्या कैसा या किस कैरियर में आगे बढ़ूँ तो मैं ठीक रहेगा, अभी मैं चाय नाश्ते। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं चाय नाश्ते का, अगर उसी काम में आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
और कोई नया काम शुरू करने का समय नहीं है, कम से कम एक साल तक, अक्टूबर 2018 तक कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना है। जिस काम में आप काम कर रहे हैं उसी काम के अंदर आप अपने प्रयास को थोड़ा सा बढ़ाएं, उसी काम को थोड़ा सा सही तरीके से करने का प्रयास कीजिए, तो चाय नाश्ते का काम है ये भी आपका अच्छा चलने लगेगा। आपके चाय नाश्ते की जो दुकान का जो नाम है, आपका नाम है सोहनलाल, तो आप उसको रख सकते हैं। भारत वाला भ के ऊपर कोई नाम रख सकते हैं, आर के ऊपर, र के ऊपर कोई नाम रख सकते हैं, वैसे भय के ऊपर नाम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपके दिमाग में अस्थिरता सबसे बड़ी आपका रोग का कारण बनती है। रविवार को भैरव जी के दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती अवश्य चढ़ाएं। मंगल नीच का है तो प्रतिदिन नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी है। मंगलवार का फास्ट रखना है आपको, उसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। बाकी आने वाला समय एक साल और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद में आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रेखा है मालपुरा टोंक से, जो अपने बेटे और बहू दोनों के लिए जानना चाह रही हैं। बेटे का इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है 21 जनवरी 1986। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम और बहू का भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। जी रेखा जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, दोबारा से अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ और टाइम और बहू का डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। बहू का टाइम है 21 अक्टूबर 88। और समय भी बताइए। मेरे बेटे का टाइम है 21 जनवरी 1986। समय बताइए, जन्म का समय बताइए दोनों का। और बेटे समय नहीं है पता मेरे को, तो पूछिए क्या पूछना है आपको। रेखा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप। पंडित जी, लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ये, और घर नहीं आ रही है वापस। एक तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि इतना समय नहीं होता है शो में एक कॉल के लिए, तो आप फटाफट बात करा करिए, अगर आप सोच के बोलेंगे तो शो का काफी समय चला जाता है। तो आपकी जो समस्या आपने जो बताई है, जितना हमें लगता है, एक बार आप वापस कॉल कीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो रेखा जी, उम्मीद है आप आगे दोबारा कॉल करेंगी और सही से बात करेंगी, तब आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। लेकिन दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज काम धंधे के लिहाज से, पर्सनल मैटर के लिहाज से, अपने जो नेचर है, आपके जो तेवर हैं, उसको एग्रेसिव मत बनाइएगा। आप अपने काम को अच्छा और मीठा बोलकर करवाने का प्रयास कीजिएगा। आलस, सुस्ती, नकारात्मक सोच से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कुछ मीठा बनाकर गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है सिंह राशि, आज कोई गलती, कोई लापरवाही आपके कामकाजी जीवन में दिक्कत पैदा कर सकती है। कोई भी काम करें, सावधानी से करिएगा, अपने लिमिट में करिएगा, और हाथ में लिया हुआ काम जो है वो अधूरा नहीं छोड़ना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में जाइएगा, दूध का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। याद रखें, मन के जीते जीत है, नकारात्मक विचारों से बचकर रहें तो सब अच्छा रहेगा, अच्छा ही होगा। और झूठ नहीं बोलने का आज कोशिश कीजिएगा, कि अपने किसी भी काम को पूरा करवाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, ये 6 राशियों के लिए बात तो हमने कर ली, आगे भी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और दैनिक राशिफल जानेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए गुड लक टिप्स में।